हरिओम। बच्चे पढ़ते हैं, स्मरण नहीं होता। आप उस समय पूछो तो सही सही बता देंगे, दूसरे दिन पूछो तो या तो कुछ भूल जाते हैं या पूरे भूल जाते हैं, और एग्जामिनेशन के समय परीक्षा काल में तो बिल्कुल स्मरण से वो दूर हो जाता है, याद नहीं रहता। नतीजा परिणाम यह होता है कि बच्चे नंबर नहीं ला पाते। ऐसा कौन सा प्रयोग करें, ना उसमें पैसा खर्च होना है, ना ज्यादा कोई समय लगाना है, ना ताकत लगानी है। छोटा सा प्रयास, हमारा पौराणिक प्रयास जिसके भी हम चर्चा करेंगे, उसे गौर से ध्यान पूर्वक सुने, धैर्य पूर्वक इस बात को सुने कि ये बच्चों को हम किस प्रकार से वो क्रिया करने की आदत डालें कि बच्चे वो करेंगे तो उसकी स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होगी, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, तेजस्विता आएगी, ओजस्विता आएगा और बच्चे तेज होंगे। पाठ पढ़ेंगे तो स्मरण रहेगा, चेहरे में मुस्कुराहट बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त भी कई फायदे हैं, विषयांतर ना हो, मैं मुख्य विषय पर ही आ रहा हूं, पाठ याद करने की, तो उसे करने के बाद पाठ भी याद होगा और जैसा अभी पढ़ के आया उसी प्रकार से स्मरण रहेगा, और परीक्षा काल में एग्जामिनेशन हॉल में तुरंत वो सुंदर से लिखकर आएगा, परिणाम अच्छे नंबर आएंगे। मेरा प्रश्न यही था। आइए सीधा चर्चा करता हूं भ्रामरी क्रिया की। हमारे भारतीय परंपरा में जो योग, जो पौराणिक योग है, उसमें भ्रामरी क्रिया है। भ्रामरी के कई फायदे हैं, लेकिन मुख्य आज मैं एक ही विषय को लेकर चल रहा हूं कि बच्चों को पाठ याद रहे और वो हमेशा उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, तेजस्वी हो, हमेशा उसके चेहरे में ओज रहेगा। करना क्या है, पद्मासन में, सुखासन में या किसी भी सरल आसन में बैठ ले, बस शर्त एक ही है कि पीठ सीधी होनी चाहिए, मेरुदंड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, छड़ी की तरह कमर से लेकर गर्दन तक बिल्कुल सीधी हो। भगवान हमें रीढ़ सीधा बना कर दिए हैं, टेढ़ा नहीं। तो बच्चों को ये बताना है, और ऐसे भी बैठने की आदत में हमेशा रीढ़ सीधी होनी चाहिए। किसी भी पोस्चर में हम आए तो हमारा रीढ़ सीधा होना चाहिए, मैं बैठा हूं, खड़ा हूं, लेटा हूं, चल रहा हूं, ये आदत डालनी है बच्चों को। आइए भ्रामरी की बात करते हैं। तो सीधी बैठकर दोनों हाथ को ऐसे उठाएंगे और इन दोनों उंगलियों से कान के छिद्र में उंगलियों को डालेंगे और थोड़ा प्रेस करेंगे, थोड़ा दबाव देके कान को बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, मुस्कुराहट बिल्कुल बनी रहे और कान इतना दबाव देना है कि दर्द ना हो, किंतु अगर कोई बाहरी आवाज ना आए इतना अस्वस्थ होकर कान को बंद रखना। अंदर में मुंह के अंदर में मुंह बंद रहेंगे ओठ, लेकिन दांत थोड़ा खुला रहेंगे, एकदम से सटाना नहीं है, ऊपर और नीचे दोनों का दांत को थोड़ा सा खुला, हल्का सा खुला रहेगा, थोड़ा गैप रखेंगे, आंखें बंद, मुंह बंद, कान बंद, दांत खुला हुआ, जीभ को बीच में, ना ऊपर ना नीचे, कहीं रेस्ट नहीं करता हुआ, बीच में। और उसके बाद मुस्कुराते हुए जिस प्रकार ओम का उच्चारण करते हैं, मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे, इस वॉइस को, इस आवाज को भ्रमर की तरह जो भौरे गुनगुनाते हैं, इस प्रकार से यह आवाज होगी, तो इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा गया है, प्राणायाम के अंतर्गत में ये। अब इसे एक बार आप अच्छी तरीके से देखें फिर आप करेंगे। लंबी गहरी सांस लिया, आंख बंद, मुंह बंद, जीभ को बीच में, दांत खुले हुए आपस में, और कान बंद करके लंबी गहरी सांस लेके दीर्घ उच्चारण करेंगे मुंह बंद करके ओम की तरह। इसी प्रकार मैंने शॉर्ट किया है, इसको और लंबा किया जाए, स्मरण रहे, आवाज निकालने में जो थोड़ी अंतर, जो थोड़ी सावधानी है, दो प्रकार से। एक तो है गले से आवाज होगा, बिल्कुल नहीं, आवाज खुलकर पेट से आनी चाहिए, नाभि से। तो आप, मैं दोनों आवाज करूंगा, पहली बार और दूसरी बार, दूसरी बार वाली को करना है, पहले को नहीं करना है, मैं दोनों को अंतर समझाने के लिए आपको दोबारा कर रहा हूं, आप देखेंगे। पहली बार जो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, जो करना अब देखें। हम्म,
खुले हुए से करना है और इसके बाद तुरंत से हाथ नीचे नहीं करेंगे, आंख नहीं खोलेंगे, भी वहीं रखेंगे। पीतल के किसी बर्तन में ठोकर लग जाए तो जिस प्रकार से झंझनाहट आती है वही कल्पना अंदर मस्तिष्क के अंदर करना है कि अभी भी वो आवाज बंद होने के बाद वो आवाज झंझनाहट अभी भी है। उससे मन की आंखों से गौर से देखें, इंजॉय करें, आनंदित हो उस आवाज से। उसे देखना है, सुनना है, उसे इंजॉय करना है और उस कंपन को, उस प्रतिध्वनि को अभी भी हो रहा है ऐसा महसूस करके देखना है। फिर धीरे से आप खोलेंगे, कम से कम 11 बार अवश्य करें और 2 बार हो तो बहुत अच्छा है, प्रातः एक सूर्य के पहले, एक उठते उठते, ये 2 बार करें। मेरी गारंटी सब बोलूंगा बच्चों में, मैंने बहुत बार देखा है, इसे बहुत अजमा कर देखा है, ये बिल्कुल प्रमाणिक है, शास्त्रीय है, करके देखें, आपको लाभ मिले। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।